हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल फॉर द लव। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं अपना जो बार चिक्स को तैयार कर रहा हूँ, उनको जो डाइट दे रहा हूँ, बार मेडिसिन दे रहा हूँ, बार जो भी उनको मिनरल्स या जिंक दिया हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं सारे बार्स को 7 दिन सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, ठीक है, सुबह करके। तो 7 दिन का जो मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ, उसमें 2 दिन कॉर्न होता है, मतलब भुट्टा जिसको बोलते हैं, मतलब कच्चा भुट्टा जो है एकदम सफ़ेद कलर का, जो काफ़ी नरम होता है, वही मैं देता हूँ 2 दिन, ठीक है। 2 दिन करके 1 फूड दे रहा हूँ, एक मतलब राइस के साथ, एक दिन एग देता हूँ, एक राइस मिला के, और एक दिन खीरे के साथ, मतलब चूड़ा के साथ एक मिला के देता हूँ, और एक दिन चना, गोटा मूंग, राजमा और सोयाबीन का दाना, जो दाना होता है वो, उसको पीस के हर एक बार्स को या चिक्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी 7 दिन में यही खाना सारा बार्स को प्रोवाइड करता हूँ सुबह को टाइम। जिस बार्स का जितना चिक्स है उस क्वांटिटी का हिसाब से मैं खाना देता हूँ। और मेडिसिन में अभी जो दे रहा हूँ, मेडिसिन अभी मैं एक कैल्सिलर प्रोवाइड कर रहा हूँ हफ्ते में 2 दिन, एक फूड जब भी, मतलब जो 2 दिन में देता हूँ वो 2 दिन के साथ एक कैल्सिलर यूज़ करता हूँ कैल्शियम के लिए, और A2Z मल्टीविटामिन है, ये मैं पानी में यूज़ करता हूँ, ये भी 2 दिन करके देता हूँ। लेकिन कैल्शियम और विटामिन मैं सिर्फ उस बार्स को देता हूँ जिसका अंदर चिक्स है, और वो चिक्स 12 से 15 दिन का हो गया है, उनका ग्रोथ के लिए, बार डेवलपमेंट के लिए मैं ये मेडिसिन और सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है, चिक्स जल्दी बड़ा भी होता है, कभी हेल्दी भी होता है फिर, और उनका जो पेरेंट्स है वो नेक्स्ट क्लच के लिए, प्रिपरेशन के लिए, उनका जो कैल्शियम या विटामिन का डेफिशिएंसी है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम काफ़ी अच्छा है, कैल्शियम सोर्स है। और A2Z मल्टीविटामिन मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ विटामिन में, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इससे। तो इस तरह का मैं यूज़ करता हूँ, और जिसका चिक्स मतलब छोटा है, मतलब हैच हुआ है अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा एज है, उनको मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करके न्यूट्रिशन देता हूँ पानी में, ताकि उनको कोई भी खाना डिहाइड्रेशन ना हो या खाना ठीक से हजम हो पाए, इसमें न्यूट्रिशन देता हूँ। देखिए फिर हम लोग जो खाना पीना बाद जो मेडिसिन देते हैं, हर एक बात का हर एक स्टेज में वो अलग होता है, मतलब जो बात अभी हैच कर रहा है एग में, अगर उसको आप विटामिन देंगे तो फिर से उसका जो मेल है वो हिट पे आ जाएगा, तो फिर से मेटिंग करने के लिए फीमेल को फोर्स करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा देख के मेडिसिन या कैल्शियम बोलिए, विटामिन बोलिए, वो देना पड़ेगा। एकदम छोटा बार्स को अगर आप सीड मिल्क दे देंगे, मतलब सारी तरह का अगर सॉफ्ट फूड दे देंगे, वो भी उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरे जो बार्स सेटअप है, इसमें फैन हर एक बार्स के लिए हर एक अलग अलग से मैं क्या लेता हूँ, अलग अलग से खाना देता हूँ। सॉफ्ट फूड जो है और 7 दिन में देता हूँ सभी बार्स को, जिसका पास चिक्स है इसको कम देता हूँ, जिसका चिक्स है उसको थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, जिसके पास 4-5 चिक्स है लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है उनको ज़्यादा करके देता हूँ, उनको कैल्शियम भी देता हूँ, विटामिन भी देता हूँ। इस तरह से हर एक बार्स हर एक केयर को केयर कर रहा हूँ, तो रिजल्ट तो अच्छा मिल रहा है, और चिक्स भी 6 दिन पर आ रहे हैं। और ग्रीस और मिनरल जो है वो कभी साहब फैन पूछा तो क्या है, एक्चुअली देखिए वो एक मिक्सिंग है, मतलब ग्रीस मिनरल ये आपको हर एक बार्स को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि केज में देखिए बार्स का क्या चाहिए, डाउन को क्या नीड है वो हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हर तरह का मिनरल्स बोलिए या ग्रीस बोलिए बार्स को देना काफ़ी ज़रूरत है। जैसे ये काट कॉइल ये देना पड़ता है, उसके साथ ये समुद्र फैना मतलब कैटल बोन, ठीक है, ये देता हूँ, उसके साथ ये जो काला नमक है ये नमक जाता है फिर, और उसका अलावा भी देखिए इसमें जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चून और सूती है जो मैं पुराना बिल्डिंग से मैं लेके आता हूँ, मेरा बगल पे है, उधर से मिल जाता है मुझे, एक चून सूती मैं इधर देता हूँ, और एक चीज और ऐसे एक सेल है जो इसको मैं उबालता हूँ, और एक देने के बाद एक सेल को मैं रख देता हूँ, इसको अच्छी तरह से सुखा के उसके बाद इसको ऐसे मी करके इसमें देता हूँ, मतलब इसमें फ्रेंड्स काट कोयला है, चून जो फैना है, सुर्की है, ठीक है, चून और सुर्की जो मिक्स करके पहले का जो दियाल बनता था वही चून सुर्की मैं देता हूँ, थोड़ा मिट्टी देता हूँ इसमें, और इसमें ऐसा काट कोयला,
और ऐसा नमक, ये सब को मिक्स करके, सबको मिक्स करके हर एक बार्स का मतलब जो भी बार देखेंगे, ठीक है, अलग से एक तो पॉट है, एक पॉट में हर एक को मैं पोहित करता हूँ। ये काफ़ी शौक से बार्स खाता है और बार्स के लिए एक काफ़ी जरूरत होता है। जब वो प्रोग्रेस में आता है, ब्रीडिंग करता है, तब आप ये सब आपको बार्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें एक सेल होना चाहिए। अगर सी सेल आपको मिलता है, मतलब झीनू, झीनू तो हमारे इधर नहीं मिलता, पिछले साल एक दोस्त से मैंने मांगा था, इस साल अभी तक नहीं मिला मुझे। अगर सी सेल होगा उसको भी इस तरह से आप सुखा के, अच्छे धो के उसको सुखा के, उसके बाद उसको पेस्ट करके, मतलब बूढ़ा करके आप इसमें मिक्स करेंगे। तो ये सब क्या होता है, हाई प्रोटीन सोर्स होता है, ये सब हाई प्रोटीन सोर्स होता है, और ये सब बार्स को देने से उनका हजम करने में भी काफ़ी अच्छा होगा, और उनका जो एक फाउंडेशन होता है उसके लिए भी एक ब्रिज वाला विनाइल बोलिए काफ़ी ज़रूरत होता है। तो हर एक बार्स को आपको एक देना पड़ेगा, वो 300 या कोई भी बार्स हो, छोटा से बड़ा बार्स सभी को एक देना पड़ेगा, तभी देखेंगे आपका जो एग है, एग का फाउंडेशन भी अच्छा होगा और चीज भी कभी अच्छा आएगा, और उनको डिहाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उनका जो पेरेंट्स है वो भी, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर तो आपको एक जरूर देना पड़ेगा, एक ग्रीस और मिनरल सब कुछ मिला के। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी अपने बार्स को, मतलब मैंने जो कुछ भी बोला है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, शायद कैल्शियम सोर्स व विटामिन अलग कंपनी का, अलग कोई मेडिसिन हम लोग देते हैं, लेकिन सब कुछ देते हैं, लेकिन बार्स का रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आ रहा है। इसका एक ही वजह है फ्रेंड, हर एक स्टेज होता है ये सब प्रोवाइड करने का, जिनका मतलब मेरा देखिए कुछ बार अभी ब्रीडिंग पे आया नहीं, तो उनका केयर अलग होगा। जो सब बार्स मेटिंग कर रहा है, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहा, उसका केयर, उसका मेडिसिन फीलिंग अलग होगा। जिसका हैचिंग कर रहा है, एग ले कर दिया है, उसका केयर अलग होगा, और जिसका चीक्स निकल गया है, उसका चीक्स का भी दो तीन स्टेज होता है, वो स्टेज में भी हमको अलग अलग सब केयर करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से डिफरेंट टाइप का आपको केयर करने से हर एक प्यास से आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, मतलब चार पांच जितना भी चीज लोग को आएगा वो आप सेलिंग पे ले आ पाएंगे। और इसके साथ आप अभी इस टाइम आप ग्रीन फूड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मैं ग्रीन फूड पे कलमी साग देता हूँ, धनिया पाता देता हूँ, खीरा देता हूँ, उसके सपाल आपका पुदीना पाता, थानपुनी पाता, ये सब ऑल्टरनेटिव करके देता हूँ, और उसके साथ बीन, बरबटी, ये सब मैं मिक्स करके हफ्ते में 2 से 3 दिन, मतलब वही 2 से 3 दिन हर एक बार्स को देता हूँ। तो इस तरह से अगर आप खाना पीना का ध्यान रखेंगे और हर एक प्यार को अलग से केयर करेंगे फिर, तो आपका ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो देखेंगे काफ़ी अच्छा होगा। सॉफ्ट फूड आप जो देंगे वो आप कोशिश कीजिएगा सुबह 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक सारा बार्स को अपना खाना और पानी देने के लिए, क्योंकि रात के बाद जब सुबह होता है तभी ज़्यादा करके उन लोगों को खाना जरूरत होता है जिनके पास चिक्स बा बच्चा होता है। तो उस इसीलिए आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पे उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिएगा, तो देखिएगा चिक्स एक्स्ट्रा कम हो रहा है और चिक्स ग्रो भी हो रहा है और वो सेल्फिंग के भी धीरे धीरे आ जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो मुझे लगता है हम सभी का पास प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होगा। आज जो बिगिनर फ्रेंड है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो देखेंगे आपका बार काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और सीड मिक्स पे आप अभी तो मतलब गर्मी चला गया है, अभी ब्रीडिंग सीजन आ गया है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इस टाइम पे आप जितना हो सकेंगे अपना सीड मिक्स पे सीड को ऐड कीजिएगा। वाइट मिलेट, रेड मिलेट, कैनरी सीड, ब्लैक सीड, सनफ्लावर सीड, कुसुम सीड, फ्रेश चीना दाना, बाजरा, मैं सब कुछ इसको मिक्स करता हूँ। और एक चीज़ छूट गया फिर सॉफ्ट फूड में, वो है गेहूँ। मैं गेहूँ 2 दिन करके देता हूँ, वो रात को मैं भिगो देता हूँ, उसके बाद अगले दिन उसको उबाल के जितना हो सके उसको नरम करके हर एक बार को प्रोवाइड करता हूँ। 2 दिन करके गेहूँ देता हूँ, फिर 2 दिन करके एक फूड देता हूँ, 1 दिन राइस के साथ, 1 दिन खीरे के साथ, और 2 दिन कॉर्न देता हूँ, और 1 दिन चना दाल का जो मिक्स होता है उसको पीस के नरम करके हर एक बार को 7 दिन करके देता हूँ। उसके बाद थोड़ा जब 9 या 10 बजता है उसके बाद मैं ग्रीन फूड ऐड करता हूँ, क्योंकि छटपटा रहता है, कोई दिन बरबटी आता है, कोई दिन बीन्स रहता है, और उसके साथ मैं एक अच्छा सीड मिक्स उनको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें हर तरह का सीड कुछ ना कुछ रहता है। जैसे पैरी भी ऐड करता हूँ, बाजरा भी ऐड करता हूँ, सनफ्लावर, सफेलो सभी ऐड करता हूँ, कनाडी सीड, व्हाइट मिलेट, रेड मिलेट, ब्लैक सीड, ये सब कुछ मिक्स करके बार्स को देता हूँ।
तभी फ्रेंड्स मुझे लगता है ये प्रोग्रेस अच्छा मिल रहा है पिछले दो साल से, और इस साल भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है और प्रोग्रेस जो चीज से वो सेल्स भी बढ़ा है। देखिए प्रोग्रेस अच्छा होना, एक अच्छा देना या चिक्स निकालना वो बड़ा बात नहीं है फ्रेंड्स। बड़ा बात है कि अब हम लोग कितना चिक्स को सेफ रीडिंग पे ले आ पा रहे हैं, वो काफ़ी मुश्किल है फ्रेंड्स। चिक्स को हैच करके सेफ रीडिंग पे ले आना, ये जो स्टेज है, ये जो पीरियड है, ये काफ़ी मुश्किल होता है हमने से नया बीटा के लिए, या जिनको हम लोग को मालूम बोलिए, जानकारी बोलिए या एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग को काफ़ी मुश्किल होता है चिक्स को सेफ रीडिंग पे ले आना, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल का काम है एक चिक्स को सेफ रीडिंग पे ले आना। और जब हमारे पास काफ़ी सारा बार थे तो हमको ये उम्मीद रहता है कि हर एक बार से, हर एक प्यार के हमको अच्छा प्रोग्रेस मिले, क्योंकि हर एक बार के पीछे हम लोग का एक खर्चा रहता है, एक कॉस्टिंग रहता है, एक लेबर रहता है, एक टाइमिंग रहता है। तो हमको मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक बार से हम लोग को अच्छा प्रोग्रेस मिले, और हर एक बार से अच्छा प्रोग्रेस मिल भी सकता है, लेकिन हमको इसके लिए अलग अलग से हर एक प्यार को इंडिविजुअल प्यार करना पड़ेगा, तभी देखेंगे आपको ओवरऑल सेटअप का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही सब डिस्कस करना था। तो पिछले सारा वीडियो में 22 को जितना चाह मतलब जितना हो सके कवर किया थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा पाइनएपल क्लूड है उनका प्रोग्रेस क्या है थोड़ा देखेंगे, चेक करेंगे, और लाभबर जिसका भी जितना भी बॉक्स जाए सबका बॉक्स चेक करेंगे, लाभबर में क्या चल रहा है, कितना क्या प्रोग्रेस अभी तक मिला है हम लोग को, वो थोड़ा चेक करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। कोई भी अगर कमेंट्स या कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो कोई अगर व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।